ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के आह्वान पर मुरादाबाद के ज्यादातर राशन डीलरों ने एक बैठक की, जिसमें एक निर्णय लिया गया है कि मुरादाबाद के समस्त राशन डीलर दिनांक 5/9/2018 को हड़ताल पर रहेंगे। बैठक के बाद राशन डीलरों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन खाद्य आयुक्त लखनऊ के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि राशन डीलरों पर हुई मुकदमे वापस लिए जाएं और जब तक जांच हो तब तक राशन डीलरों की दुकानें उन्हें वापस दी जाएं, क्योंकि राशन डीलरों के परिवार पर मुश्किल आ पड़ी है। इंडिया राशन डीलर्स फेडरेशन का जिला अध्यक्ष हूं। हमने 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया प्रदेश लेवल पर। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर 5 तारीख से राशन वितरण व्यवस्था ठप कर दी गई है। हड़ताल जारी रहेगी जब तक कि उचित दर विक्रेताओं के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे कराए गए होंगे उन्हें वापस नहीं लिया जाता, और इस कृत्य को जिसने भी अंजाम दिया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष राशन उचित दर विक्रेताओं को झूठा ना फंसाया जाए जब तक कि जाँच ना हो जाए और दुकानों को निलंबित उनकी न किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर माननीय जिलाधिकारी और शासन को रिपोर्ट अपने स्तर से भेजें कि उन्हें 62 परिवारों को न्याय मिल सके। अच्छा, क्या आज आप मशीन भी जमा करा रहे हैं? हाँ, मशीन जमा हो चुकी हैंगी। समथिंग 150 मशीनें उचित दर विक्रेता जमा कर चुके हैं। टारगेट यह है कि 275 हैं तो 275 की 275 मशीनें उचित दर विक्रेता जमा करेंगे और आसपास के तहसील के उचित दर विक्रेता भी आकर अपनी मशीनों को जमा करा रहेंगे। इन मशीनों को हम जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कराएंगे। जब अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक इन मशीनों को नहीं लिया जाएगा और राशन वितरण नहीं बांटा जाएगा। अच्छा, कल से हड़ताल शुरू हुई है तो कल से क्या रहेगा आपका सुबह से? कल से है ना, हमारा मकसद यह है कि सबसे पहले जो पोस्टर हैं उनको दुकानों पर चिपकाया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि आप हड़ताल में सहयोग करें जब तक कि सक्षम न्याय न मिल सके और न्याय अधिकार